कश्मीर से। देश भर में आज रामनवमी उत्सव बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। वहीं कश्मीर के हंद्वाड़ा में भी बड़ी संख्या में हिंदू पंडितों ने रामनवमी पर पूजा अर्चना की। यह है हंद्वाड़ा का भद्रकाली मंदिर, जहां बड़ी संख्या में हिंदू पंडित महिलाएं बच्चे पूजा अर्चना करने आ रहे हैं और किस तरह बेखौफ ढोल नगाड़ों के साथ इस पर्व का आनंद उठा रहे हैं। इस मौके पर जहां हिंदू परिवारों ने पूजा अर्चना, वहीं इसी इलाके के मुस्लिम कश्मीरी लोगों ने उनका साथ दिया और किसी चीज की कमी ना आए इसके पूरे इंतजाम किए गए। इस मौके पर हिंदू पंडितों का हौसला देखते ही बनता था। शायद काफी लंबे वक्त के बाद हिंदू पंडित ने आस्था और बिना किसी डर से रामनवमी का त्यौहार मनाया है। वहीं पंडितों ने अपील की है कि जो कश्मीरी पंडित यहाँ से जा चुके हैं वो अब वापस आ जाएं और हम सब मिलकर अपने त्योहारों को मनाएं। आइए सुनते हैं। पिछले कुछ महीनों से घाटी में हालात में बदलाव आया है, जिसके चलते इस बार पंडितों ने रामनवमी का त्यौहार पूरी श्रद्धा से मनाया है। उम्मीद करते हैं कि घाटी के हालात जल्द सामान्य होंगे और एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कश्मीरी एक साथ अपने अपने त्यौहार मनाएंगे। यह थी हंद्वाड़ा से शमीम अहमद भट्ट की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।